नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपके चैनल तगड़ा फौजी पे। दोस्तों, मेरा चैनल का नाम पहले क्यूट फौजी था, अब मैं चेंज किया और नाम रखा तगड़ा फौजी। दोस्तों, हमारे देश में अभी जो है कोरोना का प्रकोप बहुत तेज़ी से फैल रहा है। कोरोना का जो दूसरी लहर है वो तेज़ी से फैल रहा है हर एक स्टेट पे। और कल हमारे प्रधानमंत्री जी ने बताया है कि देश जो है अभी क्रिटिकल कंडीशन में है, तो सबसे रिक्वेस्ट किया है कि देश को लॉकडाउन की स्थिति में ना ले जाए। और लॉकडाउन सरकार ने क्यों लगाते हैं, हमारे सेफ्टी के लिए लगाते हैं, ठीक है दोस्तों। और इस लॉकडाउन का ज़िम्मेदार कौन है, इस लॉकडाउन का ज़िम्मेदार हम लोग, खुद हम लोग हूँ, क्योंकि हम लोग मास्क नहीं पहनते हैं, प्रिकॉशन नहीं लेते हैं, ठीक है। बाहर घूमने जाते तो ऐसे चले जाते हैं मास्क बिना पहन के। दो दिन पहले मैं एक वीडियो देखा था सोशल मीडिया पे, दिल्ली में जो एक कपल है वो कार में घूम रहे बिना मास्क पहन के, और पुलिस ने इनको जगह जगह पे पकड़ा था, बोला था कि मास्क पहनिए, लेकिन वो लोग नहीं सुना और लास्ट जो स्टॉपेज है उन पे पुलिस के साथ भिड़ गए, उल्टा सीधा पुलिस को बहुत गाली गलौज किया, ठीक है। तो अभी क्या है, जब थाने पे ले गए, उधर थाने से निकलने के बाद मीडिया के सामने फिर उनके अकल ठिकाने पे आ गए और बता रहे कि मास्क पहनना ज़रूरी है। तो वो जो कपल जो मिसबिहेव किया पुलिस वालों के साथ वो बहुत गंदा है। तो हम सबको मास्क पहनना है और कोरोना से बचना है। अभी डॉक्टर का मानना है कि ज़्यादातर कोरोना जो है अभी 18 से 25 साल के बीच में, मतलब युवा लोगों को हो रहा है ये कोरोना, क्योंकि हम युवा लोग क्या सोचते हैं कि हम लोगों को कोरोना नहीं होगा, ठीक है, हम लोगों का इम्यूनिटी पावर बहुत ज़्यादा है। ये भी सोचिए ना, आप लोग ये भी सोचिए कि 10 रुपये का मास्क ज़रूरी है या फिर 10,000 रुपये का वो जो हॉस्पिटल का बेड ज़रूरी है। अभी हालात ऐसा ख़राब हो रहा है कि हॉस्पिटल में बेड भी नहीं नसीब हो रहा है, मरीज़ जो है ऐसे ज़मीन पर लेटे हुए हैं और इलाज चल रहा है, ठीक है। और मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इस कंडीशन के बारे में सोचिए, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रिकॉशन लीजिए, और आप खुद सेफ रहेंगे तभी एक दूसरे को सेफ रख पाएंगे। तो हम सब मिल के कोरोना से लड़ना है, सब ने मास्क पहनना है, कहीं निकलते हो तो मास्क पहन के निकलना है, और सैनिटाइज़र वगैरह यूज़ करना है, हाथ साबुन से धोना है, एक दूसरे को समझाना है। और मैं गवर्नमेंट से यही गुजारिश करूंगा कि पहले जो एक दौर चला था कोरोना के पिछले साल, उस समय जो चालान का पैसा जो है जो हम लोगों से लिया गया है, उस चालान का पैसा से अभी क्या किया जाए, सब लोगों को, ज़रूरतमंद लोगों को मास्क बांटा जाए, ठीक है, मास्क बांटा जाए, ये मैं सरकार से अनुरोध करूंगा, ठीक है। और प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करूंगा इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। जय हिंद दोस्तों।